6 लाख का नंबर है भाई ये। और जैसा है ना भाई, ये असलियत में ही ऐसा है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं कराया हुआ इसका। बहुत बंदे कहेंगे कि भाई करते क्या है जो इतना पैसा खर्च कर रखा है। भाई अपना खुद का ही काम, बस पेट्रोल पंप वगैरह है। और बता, मतलब जिनके पेट्रोल पंप है भाई, सारी चीज है, और थोड़ा मोड़ा रेंट का वैसे। मतलब कि वो बदमाशों वाली फीलिंग नहीं आती है इसमें, प्रॉपर बदमाशों वाली फीलिंग आती है भाई साहब। ये देखो, मतलब भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और बहुत जल्द पंजाब आ रहे हैं। जिसको भी भाई अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो तो भाई मैसेज कर देना। पहले भी दो और चला चुका हूँ, स्कॉर्पियो ही। हाँ स्कॉर्पियो ही, ये मेरे पास चौथी स्कॉर्पियो है। बादल है दुनिया, ये मादर है छोर, रजोरी से दादर है शोर, फाइव जैसे कान में कादर है, बादशाह में बोले लड़का ये पागल है। प्यालक माल में फर्क नच मली है, तूने देखे बिचालक नान मेरा कड़क, संगीत की डरक तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत। पूरी पावर जाने कुड़िया देन फलावर जाने, जट टॉप ते फोन नहीं फड़दा टावर जाने, बॉडी ते एलवी आवा करोड़ ते जावा करोड़ ते, कप्पा जहनसी मठी मठी कूड़े दारू दी लोती, गाड़ी बजदी पर नी इतनी साली रजदी, जितों लंघदा नी देखी ताड़ी बजदी, मरदी यार ते नी एवें नी तू सजदी, फर्क पै ही आ मैं कल दा तू अज दी। ਫੀਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜਣ ਤਗੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ, ਚੌਂਚ ਮਗਾਵੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਨੀ ਭਾਲੇ ਮੋਰ ਦੀ ਫੱਟ ਕੁੜੇ ਨੀ, ਹਰਪਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਹੱਟ ਜਾ ਪੁੱਛਣੋ ਹੱਟ ਕੁੜੇ ਨੀ ਵਿਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਨੀ। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज ना आपको भाई स्कॉर्पियो दिखाने वाले हैं फुल मॉडिफाइड, और भाई नंबर वगैरह एक नंबर रहने वाला है, सब चीज आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो भाई कैसे काम आ रहा होगा, हमारा आ रहा होगा, तो जाके फॉलो करो बढ़िया बढ़िया रील्स वगैरह देखने के लिए। तो आज की वीडियो हमारे साथ है भाई। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। तो भाई क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव भाई। तो कुलदीप यादव भाई का नाम है राव साहू जाने के हैं भाई। तो भाई अपने पास है आज, ये देख सकते हो स्कॉर्पियो एन रहने वाली है। तो भाई सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि स्कॉर्पियो एन जब लेने गए थे तो पहले वाली स्कॉर्पियो पसंद नहीं आती क्या? भाई पहले वाली थी मेरे पास स्कॉर्पियो। अच्छा, मतलब पहले वाली भी थी? S10 थी मेरे पास। तो मतलब इस पे जाने का मतलब क्या क्या था मन में कि भाई ये लेनी चाहिए? भाई उससे भर गया था मन, मैं उससे पहले भी दो और चला चुका हूँ। स्कॉर्पियो ही? हाँ स्कॉर्पियो ही, ये मेरे पास चौथी स्कॉर्पियो है। अच्छा चौथी स्कॉर्पियो। तो भाई ने सोचा कि स्कॉर्पियो के कुछ जनरेशन चेंज करते हैं, एन लाते हैं ना, एन लाइन लेके आते हैं कि कम्फर्ट भी है, पावर भी है, कि मतलब यूज करके देखते हैं कि कैसा मजा है इसके अंदर ना। तो वो मैं उसमें मजा आया, इसमें मजा है भाई? भाई मेरे को आया इसमें मजा। चलाने में कैसे? चलाने में भी और कंफर्ट वाइज भी। अच्छा अच्छा, तो मतलब बंदे कहते कि भाई जो पहले वाली स्कॉर्पियो उसका रुतबा एक अलग ही है भाई, वो लगती है बदमाश टाइप गाड़ी। लेकिन ये है ना अल्टीमेट चीज है, ये अल्टीमेट चीज है, पर भाई ने बनाई ऐसे राखी, अब भी बदमाश वाली लग रही है ना। ये देखो काले शीशे वगैरह करवा के अब भी बदमाश वाली बना रखी है भाई ने, तो रिकमेंडेड नहीं है काले शीशे वगैरह ये सारी चीज। तो अब आते हैं सबसे मेन चीज, हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट में। ये देखो भाई सब चीज एक तरफ, और जो भाई इसका नंबर है, तो भाई नंबर का क्या राज है? असली में यही नंबर है, शॉर्ट करवा रहे, क्या चीज है ये? भाई नंबर जो भी है वो यही है एक्चुअल में, इसका आरसी वगैरह में सब में यही है, RSY0017। भाई साहब, तो मतलब 17 अपनी सीरीज है, क्या चीज है? नहीं नहीं सीरीज नहीं, वैसे ही बढ़िया लग रहा था नंबर इसलिए ले लिया था। तो ये मतलब कहाँ का है? आर से राजस्थान है? कहाँ? राजस्थान है। SY वो सीरियल वगैरह जो होगा जो उसमें। तो भाई अब मैं पूछूंगा कि भाई कितने का पड़ा है नंबर? भाई ये 6 लाख के समथिंग पड़ा था। 6 लाख का नंबर है भाई ये। और जैसा है ना भाई, ये असलियत में ही ऐसा है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं कराया हुआ इसका, और ना कुछ ऐसा है ना।
तो ये कुछ रियल नंबर रहने वाला है। तो भाई मतलब और कुछ भी नहीं आया कि 0001 लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 अपनी जो गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, एक स्कॉर्पियो एंड इससे टॉप वाला है। अच्छा मतलब दो है आपके पास? हाँ बिल्कुल, एक Z8 लग्जरी है और एक ही बेस मॉडल है अपने पास। अच्छा तो भाई हम पूछना भूल गए थे, तो ये जैसा कि कौन सा वेरिएंट है अपना? ये Z4 Z4 बेस मिड मान लो एक तरीके से ना, तो मिड। और एक भाई के पास टॉप भी है, तो मतलब दो दो स्कॉर्पियो एन का भाई मतलब क्या सीन है बताया आपको? पहले वो बेस वो थी S10 थी, हाँ। उसके बाद में ये एन लिया, ये वाली एन लेने के बाद में भाई सनरूफ की थोड़ी सी मजा चाहत हुई तो Z8 ले ली लग्जरी। सनरूफ के लिए भाई ने दूसरी स्कॉर्पियो एन भी ले ली और बताओ ना। तो भाई ये देखते हो मतलब शौक कुछ किस तरीके के हो सकते हैं, नहीं तो भाई इसमें ना अगर करवाना चाहते तो सनरूफ मार्केट से लगवा सकते थे, पर भाई ने नहीं लगवाई है ना। तो भाई ये कुछ रहने वाला है। फ्रंट अगर दिखाऊं तो LED अपनी चेंज है, और भाई और क्या क्या चीज चेंज है इसमें फ्रंट से? ये भाई बिल्कुल दोनों चीज 200 वोल्ट लगी हुई है, 200 यानी कि 400 वोल्ट हो गई बिल्कुल। और नीचे और ये नीचे का ये पूरा फ्रेम चेंज हुआ है। अच्छा तो भाई क्या खर्चा वर्चा आ गया इनका? भाई ये 32,000 रूपए की ये लगी थी। अच्छा 18,500 रूपए का ये पेयर लगा भाई साहब, तो उजाला कर देती होगी भाई दिन में तो? भाई सामने वाले की फोड़ देती है भाई। अभी दिन में आ रही थी, दिन में फुल चौंधा मार रही थी आंख में है ना, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। ये हो गई बाहर से, अब आते हैं साइड लुक, जो कि भाई इसके अलॉय व्हील्स भाई क्या लग रहे हैं एक नंबर। तो भाई जब आप अलॉय लगवाने गए थे तो मतलब क्या सोचा कितने इंच डलवाने हैं, 24, 22, 23 कितना? भाई मेरे मन में शुरू से ही थी क्योंकि 18 इंच तो इसमें आता ही है। हाँ 18 इंच कम नहीं देती है इसके अंदर, नहीं देती है, तो मैं सोचता कि भाई इससे कुछ अपग्रेड कुछ बाहर करवा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ये 20 इंची डलवाई। तो 20 इंची डलवाए, तो मतलब जो कंपनी इसमें देती है वो छोटे हैं कहीं ना कहीं, है ना? कहीं ना कहीं छोटे, तो गाड़ी में चलाने मजा नहीं आता होगा उसमें, मतलब कि वो बदमाशों वाली फीलिंग नहीं आती इसमें, प्रॉपर बदमाशों वाली फीलिंग आती है भाई साहब। ये देखो मतलब यार रुतबा अलग है यार स्कॉर्पियो, चाहे एन हो या कुछ भी हो। अगर मैं प्रोफाइल अगर इसकी दिखाना चाहूँ ना, तो इसकी जो प्रोफाइल है 275-45R20, तो ये इसकी प्रोफाइल है। 20 इंची भाई लगवाए, तो भाई ये नहीं सोचा कि 22 एक बार लगवा के देखते हैं कैसा कुछ? नहीं भाई 22 तो थोड़ा ज्यादा भार हो जाते हैं, फिर वो फिर भाई नहीं आता उनमें। ये तो है, तो ये कुछ 20 इंची रहने वाले। कितने के क्या पड़े भाई ये? भाई ये टोटल मेरे को वो टायर देके 1,00,000 रुपए के पड़े हैं। 1,00,000 रुपए का मोटा मोटी, और स्टिकरिंग कराई हुई भाई ने ब्लैक लिस्टेड, तो स्टिकरिंग से ना भाई और चार चांद लग रहे हैं इसमें ना। तो ये कुछ ऐसा है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई बढ़िया है इसके साथ भाई, मस्त है चलाने में बिल्कुल, कंफर्ट वगैरह बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई साहब। तो ये देखो मतलब एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए लोहे के बाद भी। और एक चीज दिखाऊं इसमें ना, गैप यार बहुत सही दे रखा है अंदर की तरफ भी इस तरफ भी, पर जो है एक ऊंचाई की तरफ वो कम है और पीछे की तरफ थोड़ा सा गैप कम है ना। तो ये है कुछ इस तरीके से लाख भर के रहने वाले। तो एवरेज वगैरह क्या दे रही है भाई इन पे? भाई एवरेज मेरी दे रही है इसमें 15-16 की हाईवे दे रही है और लोकल में 10। तो ये पेट्रोल है डीजल है भाई? ये डीजल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डीजल ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक है इसलिए थोड़ी एवरेज और कम है ना इसकी। तो ये कुछ है साइड से जेड ब्लैक कराई हुई है भाई ने, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। तो भाई रूफ रेल वगैरह आते हैं या बाहर से लगवाई है? सारी चीजें भाई इसमें, कुछ भी बाहर से लगवाया नहीं गया, बस ओनली लाइट और अलॉय व्हील के अलावा। अच्छा अच्छा, अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो पीछे से भाई ये कुछ इस तरीके रहने वाले। भाई ने अपनी राव साहब की नंबर प्लेट लगा रखी है इधर, और पीछे से एज इट इज इस तरीके की है। तो भाई इसकी पीछे से लुक बढ़िया लगती है पहले वाले की? भाई उसकी पहले वाले की है ना, देखो उसका मजा यार वो अलग ही सीन है। अब आते हैं अंदर की तरफ, पहले डिग्गी से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ में स्पेस वगैरह रहता है। तो ये देख सकते हो कितने सीटर है भाई अपनी? ये 7 सीटर है। तो बाहर से हो चुकी है एक बार, भाई अंदर आ जाओ। तो भाई बाहर से आपको दिखा दे, अंदर की तरफ से अगर दिखाना चाहूँ तो भाई मैं पहली बार अपने चैनल पर लाया हूँ और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ उसको ना। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये अपना ब्राउन डैशबोर्ड वगैरह इस तरीके से आता है इसके अंदर। और ये देखो तो भाई बाहर से इसमें क्या क्या चीज हुआ है अंदर में वो बताओ भाई। और कुछ भी नहीं हुआ सिवाय एम्बिएंट लाइट के अलावा, एम्बिएंट लाइट के अलावा। तो ये देख सकते हो मतलब कि जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो ये है ना, इंटीरियर में इसकी मजा है, पर एक चीज ये है कि ये चौड़ी कम है अंदर से, है ना भाई? भाई बहुत चौड़ी अंदर से यार, मेरे को ऐसे लग रहा है पहले वाली से ज्यादा चौड़ी सी है। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर आप देखो ये यहाँ से भी गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा ये देखो छोटी, पर ये पता ऐसे लग रही है क्योंकि ये भरी भरी ज्यादा अंदर से, इसलिए छोटी सी लग रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे हो सकता है। पर है स्पेस अपना है सही ठीक ठाक बढ़िया। तो ये कुछ लग्जरी वाली फीलिंग आती है इधर से। तो ये कुछ मीटर वगैरह इसका कुछ ऐसे आता है, टॉप मॉडल का कुछ अलग होता हुआ ना भाई कुछ भी, ये बस ये है ना मीटर, ये अलग है, ये सारा सिस्टम उसमें भी सेम ही है, क्रूज कंट्रोल वगैरह है, सारी चीज है, सारी चीज है ना, जैसा भाई ने बताया वैल्यू फॉर मनी वाला है अपना सिस्टम इसका। इसमें स्पोर्ट्स इको मोड आता है, ये है अपना उसका ट्रैक्शन का, ये हील का, मतलब सारे ऑटोमेटिक एंड स्टॉप। तो स्पोर्ट्स में आता है मजा भगाने में भाई,
मजा जबरदस्त मजे है भाई, भाई साहब ये है। और कंपनी जो सिस्टम वगैरह देती है सिस्टम में क्या क्या वही इनबिल्ट वही है वही है अपने, मतलब कि पीछे भी कंपोनेंट आगे भी कंपोनेंट है ना। तो आपको अब आउटपुट सुनाने वाले किस तरीके आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। भाई सिस्टम में जो इसके मजा है ना एक नंबर, और जो एस इलेवन में देती है अब कंपनी तो भाई वो तो एक नंबर का बेकार सेटअप देती है कंपनी, जो देती है स्टीरियो वो और दो स्पीकर वगैरह देती है बहुत बेकार आते हैं कंपनी से। जो एस इलेवन अब आ रही है इसका तो भाई बिल्कुल डिसेंट सेटअप रहने वाला है। तो ये कुछ है तो भाई इसमें चेंजेस कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, कुछ चेंजिंग करवाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया ये तो भाई ये कितनी खेच रखी है आपने टॉप? भाई ये मैंने 190 बगा रखी है। 190 इन अलॉय व्हील पे? हाँ बिल्कुल भाई। बबलिंग वगैरह कुछ ना? कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल स्टेबल चलती है। स्टेबल आगरा एक्सप्रेस वे चलाई थी मैंने भाई साहब। ये देखो भाई ये सारी चीज रहने वाली है। तो भाई अब मैं टोटल ये पूछना चाहूंगा की टोटल भाई गाड़ी पे अब कितना खर्च कर दिया? भाई ये मैंने समथिंग 7.5 लाख प्लस मतलब की खर्चा कर रखा है इसके ऊपर। देखो भाई 6 लाख का मोटा मोटा नंबर, 1 लाख के अलॉय व्हील, 50,000 रुपए की लाइट वगैरह वो मान लो, एम्बिएंट हो गई, तो अपना 7.5 से ऊपर रहने वाला सारा सिस्टम। तो भाई मतलब वर्थ है इतना पैसा लगाना नंबर वगैरह पे सारी चीज? बिल्कुल भाई शौक है भाई इस चीज भाई शौक है। अब बहुत बंदे कहेंगे कि भाई करते क्या है जो इतना पैसा खर्च कर रखा है? भाई अपना खुद का ही काम, बस पेट्रोल पंप वगैरह है। और बता मतलब जिनके पेट्रोल पंप है भाई सारी चीज है, और थोड़ा मोटा रेंट का वैसे। तो भाई जैसे पेट्रोल पंप बता रहे हो आप अपना, तो आपको तो तेल की कोई चिंता ही नहीं है एवरेज की? तो भाई चिंता तो नहीं है पर फिर भी देखना तो पड़ता ही है। हाँ टंकी फुल रखो हर टाइम है भाई। तो ये सारी चीज रहने वाली। तो इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है भाई? भाई कुलदीप राव 7428। तो जाके भाई को फॉलो कर लेना भाई, रील वील वगैरह डालते हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई जाके फॉलो करो, हमें फॉलो करो, यहाँ तक वीडियो देने आपका यार बहुत बहुत धन्यवाद। यार इतनी धूप में आप सभी के लिए भाई वीडियो बना रहे हैं, तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। धूप हो रही नहीं हो रही भाई? बिल्कुल भाई। तो भाई मेहनत करने वसूल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भाई? तो भाई सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, भाई को करो भाई। तो भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और बहुत जल्द पंजाब आ रहे हैं। जिसको भी भाई अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो तो भाई मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा Tarun4000 स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ तक वीडियो देखने आपका यार बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।